टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन अबाउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर जाने से पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट जो है आप लोग स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जी माइकल फैराडे, उसने कहा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आप लोग देख चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमें डायरेक्शन बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और उसके बाद हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, दो चीज़ें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता चलती हैं। तो लेकिन आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अगर वो पास हों नॉर्मली थ्रू अ सर्टन एरिया तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टन एरिया आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि वो जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम स्टडी कर चुके हैं, जब वो किसी नॉर्मली एरिया में से पास हों, पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टन एरिया, तो उसको आप कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे हैं वेक्टर एरिया। तो वेक्टर एरिया हमारे पास क्या होता है, ऐसा एरिया जिसमें हमारे पास हम जब डायरेक्शन इंक्लूड करने एरिया के साथ उसको हम बोलेंगे वेक्टर एरिया। और हमारे पास अब वेक्टर एरिया की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर एरिया होगी, नॉर्मल टू द वेक्टर एरिया। किसी भी चीज के ऊपर जब आप नॉर्मल ड्रा करते हैं तो वो नॉर्मली जो होता है वो आपका वेक्टर एरिया होता है। तो हमारे पास यहाँ पे हमने सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देखी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टन एरिया आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारे पास और डेफिनेशन क्या है जी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आप जान चुके हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर स्केलर प्रोडक्ट का पूरा टॉपिक आप लोग स्टडी कर चुके हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट आपको ऑलरेडी पता है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम एक ग्रीक लेटर फाई से डिनोट करते हैं जी। फाई हमारे पास होता है E.A=EA cos थीटा। ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के अंदर ये टॉपिक पूरा पर जो पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट होती है या स्केलर प्रोडक्ट उसको आप इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं E.A। जब आप डॉट खत्म करते हैं तो आपके पास एंगल इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसको आप कहते हैं EA cos थीटा। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके यूनिट्स भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, यूनिट आप लोग फाइंड कर सकते हैं जी E.A के, तो वो आपके पास आ जाएंगे जी न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कोलम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसके तीन केसेस हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, ठीक है, कब हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मिनिमम होगा, और तीसरा है कि जब हम एक एरिया को इंक्लाइंड कर दें तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वो हम देखते हैं जी। केस वन हमारे पास है when area A is held perpendicular to the field lines। अब field lines क्या है, वही electric field lines जो हम पहले study कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखें मैंने इसकी diagram बनाई है, अब देखें यहाँ पे आपकी जो electric field lines हैं इनकी direction आप check करें और vector area की direction check करें, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि हमारे पास जो angle यहाँ पे बन रहा है between the electric field lines and vector area, हेयर एंगल इज 0 degree बिकॉज हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड द वेक्टर एरिया इज पैरेलल टू ईच अदर। जब आपकी कोई भी दो क्वांटिटीज आपस में पैरेलल हों, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने दो अब पेंसिल्स जो हैं या दो पॉइंटर्स हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा वो 0 degree होगा। तो यहाँ पे सेम यही केस है, जो आपका वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है, ये एक दूसरे के क्या हैं जी, पैरेलल हैं। तो पैरेलल केस के अंदर आपके पास एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 0 degree, तो जैसे ही आप यहां पे ईए कॉस थीटा में थीटा की जगह 0 degree पुट करेंगे तो ये आपके पास कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 आपके पास 1 होता है, तो ईए इनटू 1 आंसर विल बी ईए। तो यहां पे हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आई है वो मैक्सिमम आई है। तो सेकेंड केस हमारे पास ये है, When area is placed parallel to the field lines। अब यहां पे इस केस के अंदर आप देखें
आप लोगों ने चेक करनी है डायरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया। दो चीजों की डायरेक्शन आप लोगों ने चेक करनी होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और दूसरा वेक्टर एरिया। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस केस में भी आपने देखी, वेक्टर की डायरेक्शन भी देखी, वेक्टर एरिया की। तो यहां पे भी हमने सेम वही प्रोसीजर करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन आप लोगों ने चेक करनी है यहां पे जी। उसमें आपके पास ये देखिए, यहां पे मैंने वेक्टर एरिया ड्रा किया हुआ है ये वाला, तो इसमें आपका जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है ये इस तरफ है, देखें यहां पे ये वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। तो आप देख रहे हैं यहां पे एंगल बिटवीन द वेक्टर एरिया एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 90 डिग्री। देखते हैं जी यहाँ पे परपेंडिकुलर की एक फॉर्म बन रही है, जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस डायरेक्शन के अंदर हैं और जो आपका एरिया है वो इस डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास एंगल बन जाता है जी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जैसे ही आप एंगल 90 पुट करते हैं तो आपके पास ई ए कॉस थीटा, थीटा की जगह आपने 90 पुट किया जी, ई ए कॉस 90 आपके पास हो जाता है जीरो। जब ई ए मल्टीप्लाई होता है जीरो के साथ तो आंसर आ जाता है जीरो। सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम। क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आया जी, जीरो। इन केस व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड द वेक्टर एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एंगल विल बी इक्वल टू 90 एंड द आंसर, द फाइनल आंसर विल बी जीरो। सो नेक्स्ट इज केस थ्री, व्हेन ए इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब एक केस में हमने देखा जी, हमारे पास फर्स्ट में एरिया जो था वो परपेंडिकुलर हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल सामने रख दिया, तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो थी आप देखें यहाँ पे इसमें से पास हो रही थी, तो आपके पास आंसर मैक्सिमम आया। क्योंकि इलेक्ट्रिक, अगर एरिया ऐसे रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से सारी पास हो जाएंगी। यहाँ पे हमने एरिया को इस तरह कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर से गुजरती गई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो वेक्टर एरिया में से पास नहीं हुई, तो हमारे पास जो था रिजल्ट वो मिनिमम आया। अब हमने इस एरिया को थोड़ा सा इंक्लाइंड कर दिया एट सर्टेन एंगल, ठीक है, एक एंगल थीटा पर इसको हमने इंक्लाइंड कर दिया है। तो जब हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी ये डायरेक्शन होगी जी, ये डायरेक्शन, इसको आप बोलेंगे जी आपके पास है ए कॉस थीटा। तो इस तरफ आप देखें यहां पर ए कॉस थीटा वाली डायरेक्शन में से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। देख रहे हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से पास हो रही है जी, इस एरिया से। तो हमारे पास यहां पे आपका जो एरिया है वो हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एरिया इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, एरिया आपके पास है ए कॉस थीटा की इक्वल। तो जैसे ही आप एरिया यहां पे पुट करेंगे ए कॉस थीटा, एरिया की जगह आपने पुट कर दिया है ए कॉस थीटा, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं सिंपल ई ए, ये आपके पास था जी थर्ड केस, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ये तीन केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं जी, कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैक्सिमम कब होगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगा और फाई इज इक्वल टू ई ए वो कब हो सकता है। तो आप लोगों ने जो है ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ख़त्म होता है जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हवाले से, क्योंकि इसमें हमने जिस लास्ट में मैं अगर समराइज करना चाहूँ तो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है जी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया और द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए, दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड ऑल्सो द डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई एंड फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और इसके जो यूनिट्स हैं आपके पास वो हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम। और मैक्सिमम फ्लक्स मिनिमम वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ जी, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।